हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं दीपक वर्मा, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरटेक फिजिक्स में दीपक वर्मा में स्वागत करता हूँ। आज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जैसा हम सीक्वेंस में लेते हुए आ रहे हैं, तो आज है क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न 7। ये मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ही करना है आपको। प्रश्न नंबर 7 पे कहता है अपवर्तनांक 1.55 से दोनों फलकों की समान निकटता दी जाएगी, उपयुक्त लेंस निर्मित करते हैं। उत्तर लेंस दोनों लेंस कैसे होनी चाहिए, उत्तर लेंस है ना, ये पता है आपको। ये आपको बनाना है जिसका एन दे रखा है, यानी कि अपवर्तनांक दे रखा है यहाँ पर 1.55। प्रश्न नंबर 7 किताब उठा लीजिए, एनसीईआरटी की प्रश्न नंबर 7 उठा लीजिए जो कि आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में, अनसॉल्व वाले सॉल्यूशन नहीं, अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल है मैं वो करा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 7 है, एन बराबर दिया है 1.55, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्धारित करने हैं आपको। अब फोकल लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, अगर इसका फोकल लेंथ आपको सेट करना है कि 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है जी। आगे क्या बोला, आप अपेक्षित अपवर्तनांक त्रिज्या कितनी होगी, आज अगर एक चीज बताओ यार, ये उभयोत्तल लेंस है, कैसा लेंस है, उभयोत्तल लेंस, दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल है दोनों साइड, ये उत्तल और ये उत्तल, यानी उभयोत्तल लेंस है। अब उभयोत्तल लेंस में जब दोनों बराबर है तो आर वन और आर टू भी बराबर होने चाहिए, तब अंतर इतना होना चाहिए कि जो तुम आर वन मानोगे एक को पॉजिटिव मानोगे प्लस आर, और दूसरे को क्या मानोगे, नेगेटिव आर, ठीक है। कंसेप्ट चलिए नहीं पता, एक तरफ प्लस आर एक तरफ माइनस आर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पूछा है, आर पूछा है, ये आर कितना हो क्योंकि उभयोत्तल लेंस है। अब फॉर्मूला के साथ क्या रहता है, 1/f इज इक्वल टू एन माइनस 1/r1 - 1/r2। ये वैल्यू आपको पुट करनी है और यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको बच्चों निकालना है r। तो कैसे करेंगे हम उसको, थोड़ा ध्यान दीजिए, स्लाइड चली गई है, सॉरी इसके लिए। इसको सूत्र को यहाँ पर लिखना फिर से, 1/f इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये हो गया 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एन कितना दे रहा है, सामने एन दे रहा था 1.55 - 1, ये तो पॉजिटिव हो गया 1/r, और ये माइनस का 1 - -r हो गई है ना। अब देखिए 1/f 20 हो गया, 1/20 = 0.55 मल्टीप्लाई का है ये बना 1/r, और माइनस माइनस प्लस हुआ ये हुआ 1/r, इसे मैं लिखूंगा 1/20 = 0.55, लाइट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। 1/20 = 0.55 मल्टीप्लाई बाय 2/r, इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ से मैं आपकी वैल्यू बता देंगे, 1/20 = 0.55/r / 2, यहाँ से पॉइंट हटा दिए तो बिंदु होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2500 5/11, यानी कि कितना सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, 22 सेंटीमीटर, ये आंसर है। कहने का मतलब है प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी ये पृष्ठ और ये पृष्ठ इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, आर से कितना होना चाहिए, 22 सेंटीमीटर, और इस ऊपर का भी 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैं बस आप लोग करते रहिएगा, जो नहीं आता तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, एक दो दिन और रुका उसके बाद मैं सीधे आ रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स में। तो इस वीक में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीक में जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल उनको कवर अप किया जाए, एक जैसे होंगे सेम होंगे मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ वेरिएशन होगा उसमें, अलग अलग वेरिएशन के न्यूमेरिकल होंगे मैं कराऊंगा, क्योंकि देखो एक एक न्यूमेरिकल करेंगे एक एक दिन में बहुत टाइम हो जाएगा, इसको भी आप लोग समझिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।